जय हिंद दोस्त। स्वतंत्रता दिवस का आप सबों का बहुत बहुत बधाई हो। हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 5 का पार्ट 7 का पार्ट डी वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे तीन या तीन से अधिक भिन्नों या भिन्नात्मक संख्याओं का गुणा। उदाहरण से पहले समझते हैं, 2/3 गुना 9/32 गुना 8/27 का मान ज्ञात करना है। तो पहली विधि समझते हैं, इसको तीन विधि से समझेंगे। तो 2/3 गुना 9/32 गुना 8/27 अब बराबर में, पहले इस दोनों को एक कैटेगरी में लेकर के काम करेंगे पहले, ठीक है। तो 2/3 हो गया गुना 9/32 फिर गुना 8/27 कर दिया गया। अब देखिए 2/3 9/32, तो 2 से 32 16 बार में कट गया, ठीक है। 3 3 9 तीन बार में कट गया, तो 3/16 यहाँ निकल के आ गया। अब गुना 8/27 से अब दोनों को काटेंगे इधर से, 3 3 9 3 27 हो गया, 9 बार कटा, और 8 × 16 दो बार कटा, तो एक एकम एक सामने सामने गुना करके 1/18 9 × 18 आ गया। पहला विधि ख़त्म। अब दूसरा विधि देखिए, 2/3 गुना 9/32 गुना 8/27 बराबर, 2/3 को पहले से ऐड कर लेते हैं गुना 9/32 उसके बाद 8/27 काटते हैं, 9 3 27 8 4 32 एक एकम एक और 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ आ गया 1/12 2/3 ये हो गया आपको 2/3 1/12। अब इसको काटते हैं 2 6 12 और 1 1 1 यानी 6 × 6 18 आपको यहाँ पर आ गया। सेम टू सेम देखिए, यहाँ भी 1/18 यहाँ भी 1/18। अब तीसरी विधि आइए देखिए, 2/3 गुना 9/32 गुना 8/27 बराबर, सीधे सीधे सबको रख लीजिए, 2 × 9 × 8/3 × 32 × 27 अब ऊपर नीचे काट दीजिए, ये हो गया 8 4 32 2 × 4, ठीक है, 9 3 27 क्लियर, सब कटिंग होते चला गया। अब सामने सामने गुना कर दीजिए, 1 आ गया 3 × 6 3 18 तीनों का आंसर एक ही टाइप का आ गया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, आप आगे करके गुना कीजिए काटिए या पीछे करके काटिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभाव इसमें पड़ने वाला नहीं है, जो रहेगा सेम टू सेम आंसर रहेगा। अब एक उदाहरण और समझिए, 2 पूर्णांक 1/9 गुना 2 पूर्णांक 4/7 गुना 1 पूर्णांक 1/19 का मान ज्ञात करना है। तो इसको सबसे पहले सेम टू सेम प्रश्न को नीचे उतार करके सामने सामने पूर्णांक को तोड़ देंगे, तो 9 × 18 = 19/9 हो गया, 7 × 14 अब 4 × 18/7 हो गया, 19 × 19 = 20/19 हो गया। अब सामने सामने रख के कटिंग कर दीजिए, 19 × 18 × 20/9 × 7 × 19, तो 19 का 19 कट गया, ठीक है, 9 × 18 कट गया, ठीक है। अब 20 × 40/7 आ जाएगा, अब 740 में भाग लगा दीजिए, तो 7 × 5 = 35 और 5 = 40/7 पूर्णांक में आंसर आपका आ गया। इसी प्रकार से सेम टू सेम आपको आगे मिलते चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप सभी को आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण को और समझिए, इसको लीजिए यहाँ तक, 2 पूर्णांक 4/7 गुना 2 पूर्णांक 11/12 गुना 8/25 गुना 2/9 का गुणनफल ज्ञात करें। तो सेम टू सेम ये प्रश्न है आपको। अब इसको तोड़ करके पहले पूर्णांक को तोड़ देते हैं, 7 × 14 = 18/7 हो गया, गुना 12 × 24 और 11 = 35/12 हो गया, फिर 8/25 गुना 9 2/9। अब सेम टू सेम सामने नीचे ऊपर सजा दीजिए, उसके बाद कटिंग करिए, कटिंग करिए दोस्तों हमारे भाइयों। तो यहाँ कटिंग किया गया, 9 × 18 यहाँ कट गया, ठीक है। इस प्रकार से कटिंग करते हुए 7 × 5 = 35 कट गया, फिर आगे 2 4 × 8 और 4 3 12 कट गया, फिर 5 × 5 = 25 कट गया। इसके बाद काटने के बाद सामने सामने गुना कीजिए, 2 × 2 = 2 × 4 × 8 आ गया। अब यह 3 × 3 = 15 × 15 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर होकर के आ जाता है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रश्नावली को सोल्व करिए, सेम टू सेम प्रक्रिया अपना के इसको होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम जैसा कि हमने अभी ऊपर में सीखा है वही प्रोसेस से बनेगा, इसको भी उसी प्रकार से सरल कर देना है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं आप, करिए तो सही। अब गुणन व्युत्क्रम के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, एकदम सेम टू सेम ऊपर वाला जो आप
देखिए गुणन व्यत क्रम हम जानते हैं कि चार गुना एक बटा चार बराबर एक कैसे हो गया, तो चार एकम चार कट गया, कट गया ना, तो एक का गुना एक से कीजिएगा तो एक हो गया। उसी प्रकार से सात गुना एक बटा सात बराबर एक, तो सात को सात से काट दीजिए एक आ जाएगा आंसर। इसी प्रकार से आगे कीजिए तीन बटा दो गुना दो बटा तीन, तो तीन तो कट जाएगा ठीक है, दो दो कट जाएगा, कट गया न, अब आ जाएगा एक बटा एक, तो यानी आंसर आ जाएगा एक। चार बटा पाँच गुना पाँच बटा चार ठीक है, तो नीचे ऊपर कट जाएगा ठीक है, चार एकम चार पाँच एकम पाँच, फिर कट करके आ जाएगा एक बटा एक, तो आंसर आ जाएगा एक। इस प्रकार से आप क्लियर है गुणन व्युत्क्रम को हम समझ गए हैं। अब आगे बढ़िए देखिए, कह रहा है यहाँ चार का गुणन व्युत्क्रम एक बटा चार तथा एक बटा चार का गुणन व्युत्क्रम चार होगा ठीक है, एक बटा चार का गुण यानी सीधे उलट जाएगा ये। सात का गुणन व्युत्क्रम एक बटा सात तथा एक बटा सात का गुणन व्युत्क्रम सात होगा आंसर ठीक है। इसी प्रकार से आगे को प्रोसेस में देखते हुए तीन बटा दो का गुणन व्युत्क्रम दो बटा तीन तथा दो बटा तीन का गुणन व्युत्क्रम तीन बटा दो हो जाएगा, सीधे उलट जाएगा, अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। चार बटा पाँच का गुणन व्युत्क्रम पाँच बटा चार तथा पाँच बटा चार का गुणन व्युत्क्रम चार बटा पाँच हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार से आप समझ गए नियम, यदि दो संख्याओं भिन्न या पूर्णांक का गुणनफल एक हो तो प्रत्येक संख्या दूसरी संख्या का गुणन व्युत्क्रम कहलाती है। क्लियर है, जैसा कि आपने ऊपर में देख करके समझ गए होंगे। अब गुणन व्युत्क्रम के गुणधर्म को देखिए, गुणधर्म में यदि कोई संख्या एक से बड़ी होती है तब उसका गुणन व्युत्क्रम एक से छोटा होता है ठीक है। आगे गुणन गुणधर्म टू देखिए, शून्य और किसी संख्या का गुणन फल एक नहीं होता, अतः शून्य का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है ठीक है। अब आगे देखिए, समुचित भिन्न जिसमें हर अंश से बड़ा होता है का गुणन व्युत्क्रम एक से बड़ा होता है। अब आगे देखिए गुणधर्म चार, एक का गुणन व्युत्क्रम एक ही होता है। अब गुणधर्म पाँच देखिए, पूर्णांक जीरो को छोड़कर का व्युत्क्रम एक छोटा होता है ठीक है। अब उदाहरण आठ से समझिए, आठ का गुणन व्युत्क्रम ज्ञात करें, तो आठ को गुणन में आठ बटा एक के रूप में लिखकर इसको हर को अंश तथा अंश को हर बना देते हैं, अतः आठ का गुणन व्युत्क्रम एक बटा आठ हो जाएगा ठीक है। क्लियर हो गया, सीधे उलट देना है, सीधे उलट जाएगा, ऊपर वाला संख्या नीचे, नीचे वाला संख्या ऊपर हो जाएगा। उदाहरण टू, पाँच बटा सात का गुणन व्युत्क्रम होगा, पाँच बटा सात के हर सात को अंश तथा अंश को है न पाँच को हर बनाते हैं, तो आता है पाँच बटा सात का गुणन व्युत्क्रम होगा सात बटा पाँच। अब इसको भागा लगा करके पाँच कम पाँच दो सात बटा पाँच हो जाएगा आंसर। उदाहरण थ्री में देखिए, तीन पूर्णांक चार बटा नौ का गुणन व्युत्क्रम निकालना है, तो इसको पहले तोड़ देना है, नौतिया सत्ताईस चार एक तीस बटा नौ हो गया है ना, अतः तीन बटा तीन पूर्णांक चार बटा नौ का गुणन व्युत्क्रम नौ बटा इकतीस हो जाएगा, सीधे उलट जाएगा। देखिए यहाँ पर इकतीस बटा नौ है और यहाँ नौ बटा इकतीस हो गया, सीधे उलट गया, संख्या ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला आया। विधि, संयुक्त भिन्न को सबसे पहले विषम भिन्न में बदलकर अंश को तथा हर है ना को अंश बनाते हैं, सीधे उल्टा हो जाता है। विधि जो है आपने देखा, ये सब संयुक्त भिन्न है ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं, अब इस प्रश्नवाली को आपको सॉल्व करना है, कुछ नहीं बिल्कुल आसान, गुणन व्युत्क्रम को ज्ञात करना है। तो 10 का क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा एक बटा दस, सीधे एक बटा दस। इस प्रकार से जितना भी आप देख रहे हैं 35 का एक बटा 35 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको आप बनाइए आसानी से, सीधे 100 का क्या हो जाएगा एक बटा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको होमवर्क में लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब खाली स्थानों को भरें, 8 गुना, अब यहाँ पर एक लाना है तो क्या आएगा, एक बटा आठ रहेगा, यहाँ पर एक बटा आठ रहेगा, तब ना ये आठ आठ कटेगा तो आ जाएगा एक गुना एक बराबर एक आंसर। इस प्रकार से इसको भी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान है दोस्तों, कर सकते हैं, हमको विश्वास है, करिए। सही या गलत को लिखें, जीरो का गुणन व्युत्क्रम जीरो होता है ठीक है, जीरो को गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है, यह सही करना है ठीक है। एक का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं, करिए, करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो दोस्तों कभी नहीं होगा, ये हमेशा विश्वास करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं, सबको एकदम मिला करके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, करने से सब कुछ होता है, नहीं करने से दोस्तों कुछ नहीं होता है। आप लगे रहिए, हम आपके साथ लगे हैं, आप बनाइए, हम भी बनाते हैं, आपका हमारा हमेशा सहयोग रहेगा आपके साथ। तो चलिए दोस्तों, अब कह रहा है सही या गलत को लिखें, तो जीरो का गुणन व्युत्क्रम क्या होता है, जीरो होता है, गलत है या सही है, नहीं गलत है, ये क्या है, गलत है, कटिंग कर दीजिए इसको ठीक है। अब कराया ख, जीरो का गुणन व्युत्क्रम नहीं होता,
तो क्या है जीरो के गुणन व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों? ये सही है, बिल्कुल सही है, टिक लगा दीजिए। अब ग का देखिए, एक का गुणन व्युत्क्रम क्या होता है? एक होता है। क्या होगा, सही होगा गलत होगा? सही होगा, एक ही होगा। ठीक है, एक को गुणन व्युत्क्रम नहीं होता है। क्या होता है या नहीं? नहीं होता है, बिल्कुल गलत। ये इसको क्या कीजिए, कटिंग कर दीजिए। ठीक है, नहीं होता है ये। अब यहाँ देखिए क्या है, एक पूर्णांक दो बटा पाँच का गुणन व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? पाँच एकम पाँच, पाँच दो सात, सात बटा पाँच, तब पाँच एकम पाँच दुना दस, दस एक बटा सात, तो सीधे उल्टा, सीधे उल्टा हुआ तो क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल सही है, हैं सही नहीं, ये गलत है, ये गलत है। क्या है, ये गलत है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे होगा, एक पूर्णांक दो बटा पाँच का पाँच एकम पाँच, सात बटा पाँच आया, तो सीधे उल्टा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा सात, तो सात आ जाएगा नीचे, ऊपर रहेगा पाँच, तो भाग लगेगा, दो पाँचे दस, दस एक ग्यारह बटा सात, ये गलत है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर आपका सात बटा पाँच। यहाँ पाँच है, यहाँ उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, तो पाँच बटा सात रहेगा। ठीक है, पाँच बटा सात रहेगा, इसका करने का पाँच दुना दस एक ग्यारह बटा दो होता है, तो नहीं नहीं गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चक को आप होमवर्क में लीजिए दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं, करिए, बनाइए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक बार यह प्रश्न को पूरा सॉल्व करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, बिल्कुल आसान है, कर सकते हैं आप। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक